साइंस कहता है कि हम लोग होमोडाइन्स प्रजाति हैं. जब हमको इवोल्यूशन चाहिए, हम लोग को जब स्ट्रक्चर चेंज चाहिए हमारी बॉडी में, जब हम लोग को अपने हिसाब से चाहिए, जब हम लोग को चेंजेस चाहिए, तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए. पहले होमोडाइन्स प्रजाति थे जो कि है ना गुरुजी बहुत ज़्यादा संख्या में हो चुके थे, तो कई लोग है ना ज़मीन पे उतर आए और कई लोग अभी तक जो थे फॉरेस्ट में थे, जंगलों में. तो उन लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं थी चेंजेस की, क्योंकि उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था. और जो कई होमोडाइन्स थे जिनको खाने की कमी हो रही थी, वो लोग निकल पड़े ज़मीन की तरफ. तो जब वो ज़मीन की तरफ निकले तो उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो खेती करने लगे, तो धीमे धीमे उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा. वो लोग उन लोग की जो पूछ थी वो भी कम होने लगी और वो इंसान के रूप में धीमे धीमे आने लगे और होमोडाइन्स प्रजाति से हम लोग इंसान बन गए, ऐसा साइंस मानता है. साइंस भी मान ही तो रहा है, yeah. है ना. साइंस भी कहता है कि होमोडाइन्स जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया. कोई प्रूफ है साइंस के पास? ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर्स और ये सब, हाँ, कोई प्रूफ नहीं है. वो बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है. गुरुजी रामायण में जो बानर सेना थी वो भी इंसानों की तरह थोड़ा था. बंदर सेना थी लेकिन बंदर सेना में मनुष्य भी थे. राम उस जमाने के बंदर भी थे, पर बंदरों के बीच में ऐसा नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं. आपने ठीक कहा कि बंदर सेना थी, पर बंदरों के बीच में राम जी तो थे. राम तो मनुष्य थे. विप्र धनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार. राम जी तो मनुष्य थे. तो मनुष्य थे तब ना बंदर साथ दिए. तो मनुष्य तो बेटा ऋषियों की संतान है. तो विज्ञान की बातें विज्ञान ही काट रहा है, उसकी थ्योरी को उसकी थ्योरी से ही काट रहा है. लेकिन हमारे वेद पुराण जैसा कह गए हैं उसे आज तक किसी ने नहीं काटा. इसलिए उनके बयान बदल रहे हैं, हमारे बयान नहीं बदलते. तो जो सत्य होता है वो नहीं बदलता. सो गुरुजी हम लोग पहले बंदर थे, इसके बाद हम लोग ऋषि मुनियों से हुए कि ना? हम नेचुरल प्रकृति सबसे पहले हमारे यहाँ उस दिन का प्रमाण है जिस दिन से सृष्टि स्टार्ट हुई, सृष्टि का स्ट्रक्चर तैयार हुआ. सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए. मनु की संतान है हम, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं. मनु की तीन बेटियां आकुति देवहूति प्रसूति हुई, प्रियव्रत उत्तानपाद. फिर इनके विवाह होते चले गए ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों से और वो संतान उनकी, अब जैसे करदम जी की संतान हुई, उनकी बेटियां हुई नौ, वो नौ ऋषियों को विवाही गई. जैसे अनुसुईया माँ विवाही गई अत्रि जी को, वशिष्ठ जी को विवाही गई अरुंधति माँ. तो वशिष्ठ गोत्र किसी का है? आप में से कितने लोग हैं जिनका गोत्र वशिष्ठ है? ये तो ये वशिष्ठ ऋषि की संतान है. मेरा गोत्र सांडिल्य है, मैं सांडिल्य ऋषि की संतान हूँ. आपका गोत्र क्या है? वत्स. वत्स, आप वत्स नाम के ऋषि हुए हैं, उनकी संतान है. हम भारतीयों के पास गोत्र है. क्यों गोत्र है? क्योंकि हम लिखित में चलते हैं. हमारे यहाँ देखिए आज 2022 चल रहा है, हाँ गुरुजी, ठीक है, पर हम लोग सन को नहीं मानते, संवत को मानते हैं. तो हमारा संवत तो आज 70 पार कर गया और 2022 में दुनिया है. तो लोगों के पास प्रमाण नहीं है उनकी बातें सिद्ध करने के लिए. यहाँ तक कि साइंस के पास भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से प्राचीन कोई इतिहास नहीं है. वो सिद्ध किस आधार पर करेंगे किसी चीज़ को, है ना. और इंसान से इंसान ही होता है, बंदर से बंदर ही होता है, है ना. आप सोचें कि बबूल के पेड़ में कभी आम लग जाए, क्या पॉसिबल है? नो. फिर बंदर से इंसान कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो वनवासी में लोग थे जो बात कर सकते थे, सो वो लोग कहाँ गए? आज भी हैं. छत्तीसगढ़ के जंगल में चले जाइए, आज भी वहाँ पर बिना कपड़ों के रहने वाले लोग, जंगली लोग आपको आज भी मिल जाएंगे धनुष बाण चलाने वाले. थैंक यू गुरुजी, मेरे प्रश्न का आपने वो सॉल्व कर दिया. कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन्स थ्योरी के बारे में? और डार्विन्स थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए, और कुरान शरीफ में तो लिखा नहीं. कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए. आप कोई भी किताब पढ़ेंगे सब में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. कोई भी किताब में ये नहीं लिख रहा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब ये थ्योरी है, ये उनकी थ्योरी है, हकीकत नहीं है. अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर चार्ल्स डार्विन एक शिप में जाते हैं एचएमएस बीगल, एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है कैलट्रोपिस, और वहां देखते हैं कि परिंदे अपनी चोंच मार रहे हैं होल के अंदर,
और जैसा डेप्थ होल का है उसी तरीके से उनके जो चोंच है वो छोटी और बड़ी हो जाती। तो इसको देख के वो अपनी थ्योरी प्रपोन करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। और चार्ल्स डार्विन खुद जानते थे कि इसके अंदर भी बहुत से गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने खत लिखा थॉमस थॉम्पटन को कि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है कि इंसान बंदर से बने, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में आसान होता है एम्ब्रियोलॉजी में, रूडिमेंट्री ऑर्गेन्स में, मॉर्फोलॉजी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, फैक्ट नहीं। और हम लोग स्कूल में जोक करते थे, अगर किसी को भी आपको इंसल्ट करने का है तो हम कहते थे अगर तुम डार्विन के टाइम पे होते थे तो डार्विन की थ्योरी साबित हो जाती थी, मतलब तुम बंदर जैसा दिखते हो। आज जो भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं अगर हम बंदर से बने, उसकी थ्योरी है क्या एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ, सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर आए आपको, बंदर और आदमी के बीच में नजर आए? इससे साबित हो डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। और कई साइंटिस्ट लोग ने, अल्बर्ट ग्रेगरी, फ्रैंक सेलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारा दिमाग, हमारे दिमाग को बहुत आप गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थ्योरी है आज गलत साबित हो चुकी है, और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है। गाइज, आज की हमारी वीडियो आपने देखी, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप हमें कमेंट में जरूर बता